स्वागत करते हैं जी एक बार फिर आप सब अज के इस सैगमेंट में। मेरे साथ देने के सिद्धार्थ चौधरी जो सारे मेहमान हैं सिद्धार्थ किचन तो। अज का विषय रहेगा कि जिस तरह लोग हेल्थ कॉन्शियस होंगे जा रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स में जाके भी उन्होंने वह सारिया सुविधावान मिल रही ने, इसका की इंपैक्ट पै रहा है कि रेस्टोरेंट ओनर्स जोड़े ने विद द चेंजिंग टाइम्स अपने मैन्यूज़ चेंज कर रहे हैं, हेल्दी कुकिंग होंगी की है असल में, और इस संबंध में गलबात करते हैं सिद्धार्थ चौधरी। सिद्धार्थ वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। जब हेल्दी कुकिंग की बात करते हैं तो आज लोग हेल्थ कॉन्शियस है, हर एक कोई चाहता है कि मैं जो घर में खा रहा हूँ बाहर जाके भी मुझे अच्छा ही खाने को मिले, तो कैसे ये सोच जो है इसका इफेक्ट जो है रेस्टोरेंट ओनर्स जैसे आप चला रहे हैं रेस्टोरेंट अपना, हाँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है वहाँ पे? पिछले जो हमारी हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारा फूड है, ये इसकी स्टडीज होती है एवरी सम टाइम, यू नो, लाइक 5-6 इयर्स द गवर्नमेंट रिलीजेस दैट टू एंड देन वी कम टू नो दैट यू नो हाउ आवर लाइफस्टाइल इज चेंजिंग। जी, तो अब जो नई स्टडीज़ आई हैं उनके हिसाब से हमें पता लगा कि हमारे खाने में जो सैचुरेटेड फैट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, शुगर थे, सॉल्ट थे, सोडियम थे। ये चीज़ें कहाँ से आती थी अब हमें पता लगा कि बहुत ज़्यादा जंक फूड थे। राइट, सो नाउ एक्चुअली पीपल आर बिकमिंग वेरी केयरफुल एंड वो अब वापस अपने नेचुरल हेल्थ लाइफस्टाइल में जा रहे हैं। राइट, कुछ लोग बहुत टाइम पे खाना भी घर पे भी बनाना पसंद करते हैं, बट वो उनकी सेकंड ऑप्शन अभी ये भी है कि वो उन रेस्टोरेंट पर जाके खाना पसंद करते हैं जहाँ पे उनको हेल्दी खाना मिलता है, जो कि कंप्लीट मील है, उसमें 100% फ्राइड नहीं है जी, 100% ओवर कुक नहीं है, तो जिसमें थोड़ा सैलड भी है, थोड़ा राइस भी है, थोड़ा प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट्स, इस टाइप की सारी चीज़ें, वेजिटेबल्स भी हैं। राइट, तो एक कंप्लीट मील होना ये एक बहुत अहम हो गया आजकल। राइट, पर इसमें अंदर सिद्धार्थ जो हम हेल्दी कुकिंग की बात करते हैं, हाँ, तो उसमें हमें ये बताइए कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं अब उसमें, हाँ, सोडियम की आपने बात की, हाँ, या और जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अब आम व्यक्ति तो जब रेस्टोरेंट में जाता है क्योंकि जब तक ये चीज़ें ना डाली जाए कहते हैं स्वाद खाना नहीं बनता, हाँ, है, हाँ, जी, हाँ, तो हाँ, उसको आप बताइए कि कैसे ये हेल्दी ईटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें इंग्रेडिएंट्स का क्या है? इंग्रेडिएंट्स का ना बहुत बड़ा महत्व है। जैसे आप देखिए कि आप कोई भी हम जैसे घर पर बनाते थे, जब तक हम घी ना डालें तो वो टेस्टी नहीं लगता। राइट, एंड जो भी फ्राइड फूड होता है वो हमें बहुत टेस्टी लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक्चुअली मैं पढ़ता रहा तो मुझे बाद में पता लगा कि फ्राइड फूड हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसमें फैट एलिमेंट होता है। राइट, पर फैट भी एक दो तरह के होते हैं, गुड और बैड। जी, अगर हम अपने खाने में आधा चम्मच देसी घी डालते हैं वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है बजाय हाइड्रोजनेटेड ऑयल के मुकाबले, या कनोला ऑयल है और बाकी जो मार्केट में आपके ऑयल है, नाम नहीं लेते, बट क्या होता है कि अगर हम एक ऑयल को कई बार फ्राई करते हैं तो मॉलिक्यूलर लेवल पे वो बदल जाता है। राइट, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर आवर बॉडी टू डाइजेस्ट इट एंड देन वी नीड टू वर्क हार्डर। राइट, सो उसके कारण हमें प्रॉब्लम होती है। तो एक देखो, फैट तो फैट है, शुगर शुगर है। अगर हम बहुत ज्यादा व्हाइट शुगर लेने की जगह अगर हम शक्कर लेते हैं, यू नो, लाइक रॉ शुगर, यू नो, इट्स एक्चुअली वी आर टेकिंग शुगर एंड इट्स मोर हेल्दी। एब्सोल्युटली, एंड वी डोंट नीड ये चीज। आई लर्न फ्रॉम समबडी दैट, यू नो, कहता है कि उन्होंने कहा कि मैं कुछ खाना बंद नहीं करता, मैं खाता सब कुछ हूँ पर थोड़ा थोड़ा सब कुछ मॉडरेशन में रहता हूँ। सो इट वॉज सच ए नाइस थिंग आई लर्न फ्रॉम हिम। राइट, कि यू नो ही इज लाइक गुड 70 ईयर ओल्ड नाउ, बट घी भी है, शक्कर भी है, सब कुछ खाना है, ठीक, पर एक सीमित मात्रा में खाना है कि भाई ज़्यादा ना हो जाए बॉडी के लिए, और हेल्दी हो, फ्रेश हो, सीजनल हो, ज़्यादा फ्रोजन आइटम ना हो, ठीक। मीट, जहाँ अगर मीट खा रहे हैं तो मीट भी चेक करके देखें कि भाई कहाँ से सोर्स है। राइट, उसके अलावा जो हमारे वेजिटेबल्स हैं वो लोकल होने चाहिए, और बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेटेड और GMO वाले प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए। उसमें ये बात आती है कि अगर ये सब चीज़ हम चाहते हैं तो ऑफकोर्स आर द कस्टमर्स रेडी टू पे फॉर इट, क्योंकि सवाल तो ये आता है कि अल्टीमेटली कॉस्ट एंड एनालिसिस करनी पड़ेगी हर चीज़ की। हाँ जी, अगर मैं चीज़ बाहर जाके जो खा रहा हूँ, क्योंकि मिसाल के तौर पे अब ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फूड, नॉन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को जब देखते हैं तो बाजार में वही चीज़ अगर मुझे 50 सेंट की मिल रही है और अगर वो 1.5 की है तो मैं कहता हूँ छोड़ यार 50 की ही ले लो। हाँ जी, तो हमारी मानसिकता में एक बात बैठी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या रेस्टोरेंट्स में, क्योंकि आप रेस्टोरेंट ओनर हैं, तो क्या ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है जो आपके कस्टमर्स हैं, आर दे विलिंग टू पे फॉर दैट? आप यकीन नहीं करेंगे, एक्चुअली कस्टमर्स आर फोर्सिंग अस टू कम एंड पे, नो प्रॉब्लम, द पेमेंट इज नॉट द प्रॉब्लम। राइट, द प्रॉब्लम इज द माइंड सेट ऑफ आवर साइड, दैट आर वी रियली रेडी एक्सेप्टिंग टू लर्न समथिंग मोर, टू ऑफर समथिंग न्यू टू द कस्टमर्स। द लेट मी ब्रेक इट डाउन इन दिस वे दैट इफ देयर आर 100 कस्टमर्स एंड इवन यू कैन गेट 2% ऑफ देम, जी, यू आर डूइंग मोर देन प्रॉफिट, बट यू हैव टू टच योर नीश, ठीक।
बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, राइट, डायबिटीज़ है, स्ट्रोक्स हैं, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल दिस इज अ बिग थिंग, राइट, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन है, यू नो, ओबेसिटी है, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, एंड यू नो, ऑटिज्म. बट इफ़ ऑल दोस पीपल आर गेटिंग आवर फूड विच एक्चुअली बॉडी नीड, दे रेदर स्पेंड मोर मनी ऑन फूड देन द मेडिसिन, राइट, यू नो. पर वो माइंडसेट की जो आपने बात की कि ये दोनों तरफ से, दोनों तरफ से कि है, क्या रेस्टोरेंट ओनर भी रेडी है ऐसी चीज प्रोवाइड करने को, और जो आ रहे हैं क्या वो रेडी हैं? इट इज अ ड्यूटी, राइट, ऑफ शेफ हुज कुकिंग एंड सर्विंग, जी, बिकॉज इन माय ओपिनियन इट्स अ मोरल ऑब्लिगेशन एक्चुअली, ठीक, बिकॉज व्हेन वी आर रिसीविंग अ मनी फ्रॉम समबडी इट इज उनको रिटर्न भी मिलना चाहिए. हमें, हमने जब पैसे लिए तो हमारी ऑब्लिगेशन है कि हम अच्छा प्रोडक्ट दें. एब्सोल्युटली, यू नो, एंड द फूड हैज टू बी हेल्दी, दैट्स व्हाट इट इज. जब हेल्दी कुकिंग की हम बात करते हैं, जैसे इंग्रेडिएंट्स का आपने जिक्र किया है, हाँ जी, पर हेल्दी लिविंग के अंदर या कुकिंग के अंदर हम यही आमतौर पर सुनते हैं कि यार वेजिटेबल्स ज़्यादा खा लो, ये कर लो. क्या बाकी का खाना, जैसे आपने बात की, वो तो छोड़ा तो जा नहीं सकता, लोगों ने खाना ही खाना, हाँ जी, हाँ जी, तो उसके अंदर भी कुछ हेल्दी अपनाया जा सकता है? इट्स अ चार्ट, यू हैव टू फॉलो द होल चार्ट. Our body need different type of vitamins, minerals, and different type of nutrition, proteins. Yes, we can take a protein from a different way, animal protein or beans, you know, sometimes a couple of beans have 70 to 80% more protein than beef or, you know, chicken, but it's our choice, how do we want to take it. Right. Agar hum ek hi cheez ko zyada na kha ke, कई सारी चीज़ों को थोड़ा 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 खाएं, तो इट्स मच मोर हेल्दी, क्योंकि नाश्ते के अंदर भी हम कई सारी चीज़ें ले सकते हैं. फ्रूट्स जरूर इन्वॉल्व करें, वेजिटेबल्स ज़्यादा इन्वॉल्व करें, जूस इन्वॉल्व करें, और मील ज़्यादा फ्राइड आइटम नाश्ते में ना खाएं, है ना, रात को भी हल्का खाएं थोड़ा सा, और जल्दी खाएं, ठीक. तो खाने में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक खाना और टाइम पे खाना इस बिल्कुल ये घर में तो इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो यही होता है कि वहाँ पे क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, हो जाती है, और साथ में कुछ वही जैसे नॉर्मल बटर चिकन या दाल मखनी और ये चीज़ें जो हैं, तो क्या आप अब चेंजेस कुछ आ रहे हैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में कि मात्रा कम कर दी जाए लेकिन थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट दे दिया जाए? बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, आप यकीन कीजिए. एक्चुअली वी नीड हेल्दी कंपटीशन आल्सो इन द इंडस्ट्री. वी नीड मोर इनोवेटिवनेस, वी नीड मोर आइडियाज, बट जो लोग हैं इस टाइम, जो कस्टमर्स हैं, वो भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं एक ही चीज़ को खा खा. वो कहते हैं यार हमने अगर दाल मखनी ही खानी है हर बार, तो फिर रेस्टोरेंट में नहीं, आज हम कुछ और खाना चाहते हैं. अगर हम उनको नई ऑप्शंस देते हैं, जैसे मैंने तो इतनी बार एक चीज़ खाई है, अब मैं कुछ नया खाना चाहता हूँ, राइट. तो ये हमारे ऊपर भी, ये जो 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 बिजनेस है उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि हम कितने नए प्रोडक्ट्स देते हैं. जी, जब जितनी बार नए प्रोडक्ट्स आते जाएंगे, कस्टमर लव टू ट्राई समथिंग न्यू. यू नो, आप जब आएंगे तो मैं आपको एक ही चीज़ हर बार दूंगा तो आप भी बोर हो जाएंगे, right. फिर आपका दिल करेगा मैं किसी और जगह पे जाऊं खाना खाने के लिए. तो यू नो द इनोवेशन एंड द ग्रोथ इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस. सो सक्सेसफुल होने के लिए अभी समय बदल गया, पुराने समय नहीं है, और आपको एज रेस्टोरेंट ओनर्स वो चेंजेस लाने ही पड़ेंगे अगर आपने मार्केट में सर्वाइव करना है. यस, इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव एंड द ओवरहेड्स आर वेरी हाई, एंड इफ यू डू नॉट हैव समथिंग न्यू एंड हेल्दी एंड गुड, इट विल बी डिफिकल्ट टू सर्वाइव. सिद्धार्थ, थैंक यू फॉर योर टाइम. शुक्रिया इस विषय के ऊपर आपने जो बात की कि कैसे ये इनोवेशन जो है रेस्टोरेंट ओनर्स, और जैसे आपने कहा सिद्धार्थ किचन में भी आप ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और बाकी भी लोग जो हैं इस चेंजिंग समय के साथ बदल रहे हैं, आस करते हैं कि इसके साथ लोगों में और चेतना और बढ़ेगी, और रेस्टोरेंट ओनर्स और लोग जो हैं दोनों मिलजुल के ये चेंज जो चाहते हैं उसमें काम कर रहे हैं. थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू वेरी मच.